हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग इन टॉक पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं, और आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर कैसे लिख सकते हैं, और अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर कैसे शेप बना सकते हैं, और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, यह सारा का सारा फीचर आपको किसी भी स्लाइड पर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना माय कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पर ये वाले को हम जूम इन करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा जूम इन हो गया, और फिर से वैसे ही तो मेरा वैसा ही हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये सब के बारे में हम लोग सीखते हैं। लेकिन उससे पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले। मेरे पास क्रोम है दोस्तों, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया हूँ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर दोस्तों, सिंपली आपको ये जो डाउनलोड जूम मिल्ट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, मेरा दोस्तों डाउनलोड हो भी चुका है, और मैं फिर इसे ओपन कर लूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ मेरा जाकर सेव हुआ है। तो मेरा दोस्तों, ये जो जूम मिल्ट है, ये मेरा जीप फाइल बनाकर सेव हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको हम एक्सट्रैक्ट हियर करना है दोस्तों। ये अगर ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, तो आपको मेरे ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, और आप मेरे ब्लॉग पर जाकर, और सबसे पहले बात तो दोस्तों कि आप मेरे ब्लॉग को फॉलो अगर नहीं किए तो आप पहले फॉलो कर लीजिए। फिर दोस्तों, आप अपने सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पर जाना है, और फिर उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है, और नीचे आकर आपको एक RAR फाइल ओपनर का सॉफ्टवेयर होगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये डाउनलोड RAR फाइल ओपनर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और इसको इंस्टॉल कर लेना है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लेना है। फिर दोस्तों, आपको वो ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमको स्ट्रैक हियर कर देना है दोस्तों, कि जो भी फाइल है यहीं कहीं पर स्ट्रैक हो जाए। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर मेरा ये फाइल स्ट्रैक हो गया है। अब दोस्तों, ये जो जूम मिल्ट है, ये जो है इसको हम डबल क्लिक करना है। तो इसको डबल क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कुछ ऐसा खुलेगा। ये दोस्तों आपको जूम जो होता है दोस्तों, स्क्रीन जूम का दोस्तों शॉर्टकट की है Alt+1। इससे दोस्तों आपका स्क्रीन जूम हो जाएगा। और दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों, किसी भी चीज़ अगर ड्रॉ करना है, तो कंट्रोल प्लस टू आप प्रेस करिएगा, तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप शेप भी उसी से बना सकते हैं। या दोस्तों आप फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको दोस्तों आपको सिंपली ओके कर लेना है, और ये आपको दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड में यह ओपन हो जाएगा। और आपको अब दोस्तों कुछ नहीं करना है। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर जूमिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए ये अपना दिस पीसी पर हम जूमिंग करना चाहते हैं, तो आपको Alt+1 क्लिक करना है, और देख सकते दोस्तों कि मेरा जूमिंग यहाँ पर हो गया है। और फिर आप दोस्तों, आपको जहाँ जहाँ माउस अपना कर्सर लेके जाइएगा, वहाँ यह जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप किसी जूम करके आप चाहते हैं कि हम फिक्स कर दें इसी पॉइंट पर, तो आपको एक बार राइट क्लिक करना है। तो आप राइट क्लिक करिएगा दोस्तों, कि आपका फिक्स हो गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका फिक्स हो गया है। अगर ये आपको फिक्स नहीं करना है, तो फिर से आप एक बार लेफ्ट क्लिक करिए, और ये आपका अनफिक्स हो गया है, और फिर से नॉर्मल हो गया है। अब रह गया बात अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ड्रॉ करना, तो आपको उसके लिए Ctrl+2 प्रेस करना है, और यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मेरा नाम, ये सब दोस्तों हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप किसी भी शेप को भी आप अपने बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, और एक सर्कल या फिर एक स्क्वायर ऐसा कुछ बना सकते हैं दोस्तों। आप जैसे देख सकते हैं, हम स्क्वायर बना रहे हैं। अगर दोस्तों आपको कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको जिस कलर को चूज करना है, उस कलर का पहला अक्षर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कर दीजिए। जैसे कि हम ग्रीन चूज करना चाहते हैं, तो हम दोस्तों जी यहाँ प्रेस कर दिए है, और फिर से Ctrl+1 प्रेस किए, और फिर से देखिए अब मेरा ग्रीन स्क्वायर बन रहा है, अब मेरा जो भी बॉक्स बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है। अगर तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।